बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनाव लोकसभा के देश में चल रहे हैं और आपके प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव है। 1 जून को वोट पड़ेगा। अब तक 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं पूरे देश में, और पूरे देश में केरल से लेके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है। और अक्सर लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं, मीडिया में छपता नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि देश में आज एक बदलाव का माहौल है। और ये चुनाव बहुत बड़े चुनाव हैं, ये हमारे ग्राम पंचायत के, विधानसभा के या जिला परिषद चुनाव नहीं है, ये पूरे देश में एक नई सरकार का निर्माण करने का हम लोगों को अवसर मिलेगा। पूरे मुल्क में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और सरकार भी जनता के वोट से बनती है। जनता का जो आदेश है वो शर्माते हैं। लेकिन साथियों, आपको भी सोचना पड़ेगा, जिन लोगों को भरपूर समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई, जनता ने बनाई 2014 में, उस समय क्या भाषण दिए गए थे? उस समय कहा गया था कि जितना भी काला धन है वो वापस ले आएंगे पूरे विदेशों से, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे और बेरोजगारों को, शिक्षित नौजवान लड़के लड़कियों को हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ये बातें बोलकर 14 का चुनाव जीता था। आज 10 साल हो गए। इन 10 सालों में इस प्रदेश में सरकार कुछ समय बीजेपी की रही इससे पहले, और केंद्र में सरकार बीजेपी की रही। सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे भाषण दिए गए तो आज आप मुझे जवाब मांगो कि गैस का सिलेंडर तो 2014 में 400 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए का है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर का हो गया। आप ये सवाल पूछो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो आप लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आप लोगों के घर में अगर 2 भैंस खड़ी हैं तो 1 भैंस छीन ली जाएगी, और इस प्रकार की बातें कर मुझे लगता है कि चुनाव का माहौल खराब किया जा रहा है। ये चुनाव इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने एक गठबंधन बनाया पूरे देश में इंडिया अलायंस के नाम से। 24 पॉलिटिकल पार्टियां, अलग अलग पृष्ठभूमि की पार्टियां, अलग अलग राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पर आपके क्षेत्र में आप लोगों ने पिछले साल 1.5 साल पहले पूरा आशीर्वाद देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनाई है। मैं इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बहुत एक अवसर मिला था पूरे हिमाचल प्रदेश में आप सब लोगों से मिलकर बात कर वोट का आग्रह करने के लिए। आपने पूरे आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन आज हम लोगों को लोकसभा का उम्मीदवार चुनना है। जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर हो रही है, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी बढ़त में है। और हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है, हमने बड़ा स्पष्ट 2-4 बातें बोली हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। हम लोगों ने, हम पहली पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस जिसने देश में ये वादा किया है कि हमारा किसान जो फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, उसको एक समर्थन मूल्य का घोषणा करती है सरकार, MSP बोलते हैं उसको। और MSP पर खरीद होती नहीं है, क्योंकि जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं और किसान की फसल को कम दाम पे लेते हैं। और 3 काले कानून इस सरकार ने बनाए थे, आप सब जानते हैं, उन काले कानूनों को मजबूरन वापस लेना पड़ा, क्योंकि देश भर के किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में और 1.5 साल तक धरना दिया, किसानों पे लाठियां गोलियां चली, उसके बावजूद थक हार कर केंद्र की सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है, हम सरकार बनाते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनेगा, उससे कम दाम पर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता। आज तक ये होता था, सरकार घोषणा करती थी MSP की और एक सिर्फ घोषणा हो जाती थी, लेकिन फसल खरीद जो है बिचौलिए करते थे कम दामों के ऊपर। कांग्रेस ने किसानों का ध्यान रखते हुए, अन्नदाताओं का ध्यान रखते हुए समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात बोली है। बीजेपी की सरकार ने पिछले 8-10 सालों में चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया बैंकों का। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस देश में जितने गरीब परिवार हैं
प्रत्येक गरीब परिवार में जो सबसे प्रमुख महिला होगी उस महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया हम लोग आर्थिक मदद देंगे। मतलब 8,833 रुपया प्रति माह उन लोगों को मिलना चाहिए जो देश में सबसे गरीब परिवार है। आज जो गांव में रहते हैं, बच्चों को पालते हैं, गरीब परिवेश से आते हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, आज महंगाई कमर तोड़ रही है। उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने देश के सबसे गरीब परिवारों के लिए अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लोग 1,00,000 रुपये प्रति साल महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे। हम लोगों ने कहा जो नरेगा के काम चलते हैं गाँव के अंदर, अभी उसमें 200-250 इतनी दिहाड़ी मिलती है, सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हम कम से कम 400 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी नरेगा की करेंगे, ताकि अगेन जो काम करने वाले हैं लोग उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, निवेश हो, उद्योग लगे, इस देश के अंदर लोगों को अवसर प्राप्त हों। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का मुद्दा है, आज भाषण देते हैं नेहरू जी ने ऐसे किया, इंदिरा गांधी ने ऐसे किया, मनमोहन सिंह ने ऐसे किया, अरे आपने 10 साल में क्या किया बताइए? आपने क्या महंगाई कम कर दी, आपने रोजगार लगवा दिए, आपने उद्योग लगवा दिए इस देश में? 2014 में साथियों पूरे मुल्क पर 50,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 50,00,000 करोड़ का कर्जा पूरे देश पर था, आज 250,00,000 करोड़ का कर्जा है, 250,00,000 करोड़। तो सवाल ये बनता है कि हम लोग जब नई सरकार बनाने जा रहे हैं तो किस व्यक्ति को, किस विचारधारा को, किस दल को हम चुनेंगे? मैं इतनी दूर चलकर आपके बीच इन वादियों में, पहाड़ों में इसलिए आया हूँ क्योंकि संदेश आप तक पहुँचाना बहुत जरूरी था। आप सब जानकार लोग, समझदार लोग हो, लेकिन यहाँ के लोग आपकी एक एक वोट की कीमत है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर हमारे नौजवान साथी विक्रमादित्य को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। वो सरकार में काम कर रहे हैं, विधायक हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो एक पहचान है उसको दिल्ली में मजबूती से उसकी पैरवी कर सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सबने मिलकर इस नौजवान को मौका दिया है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आप सब जानते हैं क्या पार्टी है, क्या नेता है, कौन उम्मीदवार है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा आज स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो उस प्रदेश के लिए किया उसको कोई भुला नहीं सकता। वो इतनी बार मुख्यमंत्री बने और एक एक गांव पगडंडी की उनको पहचान थी, जानकारी थी, उन्होंने पूरे जीवन काल में जितनी बार भी सेवा का मौका मिला पक्ष में विपक्ष में इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। आज हिमाचल प्रदेश की पहचान भी एक तरह से उनकी पहचान बनी हुई है। तो हम लोगों को भविष्य की तरफ देखना है, हम लोगों को उस व्यक्ति को वोट डालना है जो दिल्ली में बैठकर हमारी सेवा कर सके, हमारी वकालत कर सके, हमारी पैरवी कर सके। और भाजपा ने 10 साल में साथियों ऐसा माहौल बना दिया देश में जो आज से पहले नहीं था। आज कहते हैं कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। आप कल्पना करो इस देश में 2-2 निर्वाचित मुख्यमंत्री, उनको आपने जेल में डाल रखा है। कांग्रेस सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आपने सीज कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देनी पड़ी तब जाके हमारे बैंक के खाते खुले। आप विपक्ष के लोगों को जेल में डालो, इनकम टैक्स, CBI, ED के छापे डलवाओ, विपक्ष के लोगों का चरित्र हनन करो, उनको बेइज्जत करो, उनकी आवाज को दबाओ, उनको तोड़ो, उनको मजबूर करो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दो। ये कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र साथियों इसलिए मजबूत होता है क्योंकि संस्थाएं मजबूत हैं। ये वोट का अधिकार 1952 में पहली बार वोट पड़े थे देश के अंदर। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है, वोट तो रूस में भी पड़ता है, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ता है, लेकिन कोई नहीं बोलता कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत है या रूस में लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र हिंदुस्तान में मजबूत है क्योंकि हमारी संस्थाएं मजबूत हैं, हम अपने वोट के मालिक हैं, हम जवाब मांग सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। संस्थाओं को लगातार ताकत देने का काम किया, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर वो कमजोर पड़ जाएंगी, आज सुप्रीम कोर्ट इस देश में है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं, हमको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आंख बंद कर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो आसमान का फरिश्ता नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन वो संस्था की इतनी विश्वसनीयता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ बोल दिया उसको सब लोग मानते हैं। कल को अगर उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी कार्यप्रणाली पर, उसकी आस्था पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल उठ जाएगा तो कहां जाएंगे हम लोग? तो संस्थाओं को
प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पिछले 10 सालों में नीतिगत तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया गया। निर्वाचन आयोग हो, न्यायपालिका हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, ये संस्थाएं जो हैं ये लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। लोकतंत्र में जितना काम पक्ष का है उतना विपक्ष का है। अगर पक्ष पक्ष बराबरी से संवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, अलग अलग आस्था लोगों की, अलग अलग खान पीन है, व्यवहार है, भाषा बोली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इस देश का है, सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है, ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है। उस संविधान के तहत ही देश चलेगा, किसी की पसंद नापसंद से नहीं चल सकता। और ये मुझे लग रहा है कि बार बार भाजपा के नेताओं को आगे बोलना पड़ रहा है कि हम संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों बोलना पड़ रहा है आपको? सफाई देने की नौबत ही क्यों पड़ी है? कभी आपने सुना अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलते हुए या राजीव गांधी जी को बोलते हुए? वो प्रधानमंत्री थे, 400 पार का नारा देते हैं, 400 सांसद तो राजीव गांधी जी के पास थे। कभी राजीव गांधी ने बोला कि मैं भाजपा को खत्म करना चाहता हूं या मैं आरक्षण को खत्म करना चाहता हूं या नहीं करूंगा? ये सवाल उठा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, सरकार के अंदर से आवाज उठ रही है कि संविधान में कुछ बदलाव होगा, आरक्षण से छेड़छाड़ होगा। इसलिए साथियों, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव हमारे भविष्य को संरक्षित रखने का चुनाव है। और आप सब लोग इतने दूर के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, लेकिन आपका एक एक वोट कीमती है। इसलिए आपसे मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि एक एक वोट आप हाथ के निशान पर 1 तारीख को बटन दबाकर विक्रमादित्य को जिताकर भेजिए। इस नौजवान को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं और वीरभद्र सिंह जी के साथ मैंने काम किया है। जब वो संसद में थे, मंत्री थे, मैं भी संसद में था, हमारा पुराना रिश्ता परिवार से भी, लेकिन पार्टी के लिए आज महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति हो, कौन चीर और कौन उम्मीदवार, आज दल और पार्टी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी को देश के स्तर पर कोई चुनौती देके हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है और होने वाला है। आप सबको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग और चुनाव लड़ने आए थे। जब परिणाम आए तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज 20 साल के बाद लोग बोल नहीं रहे, लेकिन बदलाव सबके जहन में है और बदलाव की सुबगाहट पूरे देश में है, कश्मीर से केरला तक। जहां जहां हम लोग गए हैं लोगों ने इस बात को कहा कि बदलाव चाहते हैं। और आप लोगों का एक वोट, यहाँ की सीटें, मुझे लगता है 4 सीटें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में और चारों की चारों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा यहाँ पर आना सफल होगा। आपके पूरे क्षेत्र से मुझे यहाँ दत्सा बता रहे थे कि आपके इन गाँवों से, इस ब्लॉक से, इन पंचायतों से जो माहौल बनेगा, उस माहौल की जो खुशबू है वो महक पूरे जिले में जाएगी और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाएगी, लाहौल स्पीति तक जाएगी और मंडी तक जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, माताओं बहनों से विशेष रूप से, आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालें, हाथ के निशान पर बटन दबाकर विक्रमादित्य को अपना आशीर्वाद दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और आपने आज सुबह सुबह यहाँ पर मुझको बुलाकर मेरा जो मान सम्मान दिया है, मुझे सत्कार दिया है, मैं उसका आभारी रहूंगा। और आप लोगों से एक बार पुनः मैं मिलने भी जरूर आऊंगा चुनाव के बाद। मैं सबको बोलूंगा, एमएलए साहब को।